वी स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर और हम अपने सिक्स चैप्टर के अंदर थे और सिक्स चैप्टर डील करता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज के ऊपर और हमने फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज के अंदर अभी तक हमने कवर किया था हमने कवर किया मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और हमने फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को कवर किया आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी को एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी मोस्ट प्रोबेबली आज हम मोस्ट प्रोबेबली आज हम यहाँ पर ये दो तो डेफिनेटली कम्प्लीट कर देंगे हो सकता है अगर टाइम बचा तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पर कवर कर पाए तो लेट्स सी कितना कवर होता है बट ये दोनों आज हम यहाँ पे कवर करेंगे एक क्विक रिकैप अगर मैं पिछले लेक्चर से आपको बता दूँ तो जो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी होता है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के हायरकी में लोअर एंड पर आता है और लोअर एंड पर आने की वजह से ये क्या करता है दे एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजीज विच आर फॉर्मुलेटेड बाय द कॉर्पोरेट लेवल एंड द बिजनेस लेवल करेक्ट ये उनको फंक्शन करते हैं एंड देन हमने यहाँ पर चेक किया था ये हर की स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के अंदर हर एक अपना स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के अंदर अपना एक फंक्शनल लेवल आपका जो टीम रहेगा वो पूरा वर्कआउट करते रहेंगे फंक्शनल मैनेजर्स का पूरा टीम फिर हमने यहाँ पर देखा था मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमने देखा था इट इज़ व्हाट इट इज़ कम्प्लीटली कस्टमर ओरिएंटेड। वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द कस्टमर डिमांड कस्टमर नीड्स और उसके हिसाब से हम यहाँ पे काम करते हैं एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर हमने यहाँ पर चेक किया था कि हमें क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना होगा हम कैसे एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करते हैं देन ये पूरा मार्केटिंग प्रोसेस हमने कवर किया था हाउ टू कनेक्ट विद द कस्टमर्स देन एग्जाम ओरिएंटेड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वॉज द मार्केटिंग मिक्स और ये मार्केटिंग मिक्स अगर आप देखो तो यहाँ पर फोर पी एंड फोर सी थे uh, मैंने किसी का आंसर चेक किया था किसी ने इसके आंसर में सेवन सी लिख दिया था ठीक है सेवन सी नहीं होगा इट विल बी वट इट विल बी फोर सी ओनली करेक्ट फोर सी प्लस आप यहां पर क्या बोलोगे द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ फोर सी जिसमें आपके पास थ्री सी और है ठीक है तो आप ये चीज एक ध्यान रखना है यहां पर दैट इट इज वट इट इज 4C सी एंड देन यू हैडेड थ्री सी देर इज नथिंग कॉल्ड एज सेवन सी वी स्टिल कॉल इट एज वट फोर एंड फोर सी और ध्यान रखना यहां के तीन वाले इधर और इधर के चार में से कोई एक इधर ये आप यहां पर स्प्लिट नहीं करोगे 4P में आपका यही प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन किया था था के ऊपर हमने इसको पूरा डिस्कस किया था, डिटेल में अबाउट द प्राइस फिर हमने यहां पर देखा था समथिंग पॉलिसी करेक्ट पेनेट्रेशन पॉलिसी स्कीमिंग पॉलिसी ये दोनों हमने यहां पर चेक किया था देन हमने प्लेस के हिसाब से यहां पर देखा था कि मार्केटिंग कैसे करना है प्रमोशन प्रमोशन के अंदर हमने बहुत सारे टूल्स देखे थे जिसमें हमने समझा था पर्सनल सेलिंग एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी सेल्स प्रमोशन इन सब को हमने कवर किया था और इसके बाद में हमने यहाँ पे ये यह देखो ये आ गया अपना एक्सपैंडड मार्केटिंग मिक्स ये कवर किया था वेन वी हैड कवर्ड द फॉर्मुलेशन ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वेयर वी हैड बी मी सी के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर समझा था कि किस तरह से हम यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को सेटअप करते हैं thereafter we had covered uh, something called as strategic marketing techniques जिसमें अलग-अलग <coughs> तरह के marketing techniques को हमने बहुत detail में cover किया था right then further हमने यहाँ पर इसको finish करते ही हमने समझाता financial strategy को और financial strategy के अंदर भी हमने देखा था as a finance manager आपके तीन broad जो functions रहते हैं और इसको हमने fm से link करके काफी चीजों को हमने discuss किया था और इस lecture को हमने end किया था with how to value the business राइट right? तो इसमें अलग अलग वैल्यूएशन के टेक्निक्स हम लोगों ने चेक किए थे हाउ टू वैल्यू द बिजनेस हमने इसको कवर किया था थी वर्थ ऑफ अ बिजनेस आज के लेक्चर के बाद में मैं आपको पास्ट पेपर एक बार ओवरव्यू uh, करवा दूंगा सो दैट यू कैन राइट सम मोर क्वेश्चंस एंड लेटर ऑन आई कैन इवेलुएट दो क्वेश्चन दैट विल बी हेल्पफुल टू यू और एक साथ आपके ऊपर पूरा प्रेशर नहीं पड़ेगा इफ़ यू सी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी ना अगर आप सिर्फ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी का नाम लो तो यहाँ पर प्रोडक्शन या ऑपरेशन स्ट्रैटेजी सो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में आप बेसिकली यहाँ पर क्या करते हो यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम ठीक है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी इज टोटली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन सिस्टम अब आप बताओ प्रोडक्शन सिस्टम क्या होगा अब प्रोडक्शन सिस्टम को अगर हम यहाँ पर सिंपल टर्म्स में समझें तो आप देखो क्या होता है अगर हम प्रोडक्शन सिस्टम को समझें तो आप देखो कंप्यूटर में आपने बेसिक्स कभी जब पढ़ा हो स्कूल में तो आपने वहां पर देखा था इनपुट प्रोसेस एंड देन यू हैव आउटपुट इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ठीक है अब यहां पर ये जो आपका प्रोसेस है ना ये जो आप प्रोसेस करते हो इसी को ही हम क्या बोलते हैं दिस इज ओनली कॉल्ड एज द प्रोडक्शन सिस्टम दिस इज कॉल्ड एज द प्रोडक्शन सिस्टम तो इनपुट किस चीज का होगा इनपुट आपका होगा रॉ मटेरियल्स का करेक्ट आप देखो इनपुट में क्या चीजें आ जाएंगी तो इनपुट में आपको मिलेगा यहां पे रॉ मटेरियल्स बिल्कुल करेक्ट एक तो आप रॉ मटेरियल्स लोगे इसके अलावा आपका लेबर वो भी यहां पर क्या हो जाएगा आपका इनपुट के अंदर आ जाएगा करेक्ट इसके अलावा एनर्जी तो ये तीन आपके यहाँ पर इनपुट होते हैं फिर आप इसको यहाँ पर गुड्स को अपने फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हो और आउटपुट किस चीज़ का होगा आउटपुट आपका हो जाएगा ऑफ गुड्स और अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री में हाँ फिनिश गुड्स और सर्विसेज़, सो गुड्स एंड और सर्विसेज़, ये आपका हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम अब ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें हम किसको डिस्कस कर रहे हैं प्रोसेस को तो आप प्रोसेस को डिसाइड करते वक्त आप कई चीजों को यहां पर ध्यान रखोगे जैसे कि कि हमारा फैक्ट्री का कैपेसिटी कितना होना चाहिए राइट वट शुड बी लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री वट शुड बी द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री हम कहाँ पर अपने फैक्ट्री को सेटअप करें जहां पर हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू चेक अबाउट द लेआउट कि हमारा फैक्ट्री का प्रॉपर लेआउट कैसे होगा हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन को राइट right? जो भी हमारा यहाँ पर रहता है किस तरह से हमारा यहाँ पर वर्क सिस्टम रहेगा हाउ इज गोइंग टू बी आवर वर्क सिस्टम वो किस तरह से वर्क करेगा हम किस तरह का यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन रखेंगे या डिसेंट्रलाइजेशन रखेंगे करेक्ट तो वेदर वी आर गोइंग टू कीप डिसट्रलाइजेशन सिस्टम या फिर सेंट्रलाइजेशन सिस्टम और इसी को हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ ऑटोमेशन ऑटोमेशन मतलब जो अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप जो काम करता है सो वी विल हैव दिस डिग्री ऑफ ऑटोमेशन करेक्ट तो यहाँ पर प्रोडक्शन सिस्टम में आता है इसके अलावा आपको अपने प्रोडक्शन सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो आप क्या करते हो यू डू वर्टिकल इंटीग्रेशन सो बिकॉज ऑफ द वर्टिकल इंटीग्रेशन यू अगेन गेट लॉट ऑफ सिनर्जी बेनिफिट्स और यहाँ पर आपका प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर काम आ जाता है तो प्रोडक्शन सिस्टम इज वट प्रोडक्शन सिस्टम बेसिकली डील्स विद द प्रोसेस बाय विच द रॉ मटेरियल्स लेबर एंड द एनर्जी आर यूज और द इनपुट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट एंड द आउटपुट कैन बी वट द आउटपुट कैन बी गुड्स और द आउटपुट कैन बी सर्विसेज तो ये दोनों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बेसिक एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन आपको मिलेगा शायद टू मार्क्स के लिए मिले तो मिले अदरवाइज उसका भी कोई बहुत ज्यादा हेडेक आपका नहीं है कि आपको एक टू मार्क क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकता है वॉट इज अ प्रोडक्शन सिस्टम सो वॉट यू कैन डू यू कैन मेक दिस दिस डायग्राम ओके एंड यू कैन ऑल्सो राइट ब्रीफली अबाउट जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया प्लस मॉड्यूल से अभी जो हम यहाँ पर रीड करेंगे वो आपका प्रोसीजन आ जाएगा सी इसमें ना प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर uh, काफी ज्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने को या डिटेलिंग में कुछ ऐसा प्रोविजन रहेगा नहीं यहाँ पर जो अपना मेन प्रोविजन आएगा प्रोडक्शन या ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के अंदर वो आता है अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड दूसरा टॉपिक जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो आपका होगा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके अलावा ये जो प्रोसीजर्स मैंने बताए प्रोडक्शन सिस्टम एंड ऑल दीज आर वर्ड दीज आर टू मार्क्स क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हेडेक भी लेने का जरूरत नहीं है अगर आपने इसको अच्छे से समझ के एक बार नोट्स में लिख लिया है तो आई एम वेरी श्योर ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा सो द प्रोडक्शन और द ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन सिस्टम देन इट डील्स ऑल्सो विद द ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑल्सो विद द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट द इट अफेक्ट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज द मार्केट्स टू बी सर्व्ड एंड द मैनर इन विच द मार्केट्स आर टू बी सर्व्ड करेक्ट आप सब ने आप सबने एक्साइज नहीं पढ़ा करेक्ट आप सबने एक्साइज नहीं पढ़ा बट एक्साइज एक ऐसा ड्यूटी था जो कि किसके ऊपर लगता था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज वॉज द ड्यूटी जो कि किसके ऊपर लगता था मैनुफैक्चरिंग के ऊपर इसके अलावा अगर आप देखो तो इनकम टैक्स के अंदर भी आपको कई बार रिबेट्स मिलते हैं अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ऊपर अपने फैक्ट्रीज को या इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हो सो एक्साइज वॉज अ ड्यूटी विच वॉज ऑन मैनुफैक्चरिंग और ये एक्साइज ड्यूटी जो था ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में नहीं था लाइक like, असाम में मेरा आर्टिकलशिप आधा आसाम में हुआ है ठीक है सो आई विल टेल यू आर्टिकलशिप में मैंने आज तक कभी एक्साइज का काम नहीं किया बिकॉज वहाँ पर एक्साइज का ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं था बिकॉज देर वॉज नो मैनुफैक्चरिंग एक्साइज का कोई मैनुफैक्चरिंग ही नहीं, वहाँ पर मतलब एक्साइज ड्यूटी लगता ही नहीं था ना आई विल टेल यू यू हैव अ फैक्ट्री एट लेट्स ए वेस्ट बेंगाल आपका एक फैक्ट्री है जो कि वेस्ट बेंगाल और आसाम के बॉर्डर पर यह फैक्ट्री सेटअप है ना वट विल यू डू आप बोलोगे यार मैं वेस्ट बंगाल में अगर मैनुफैक्चरिंग करता हूँ तो लेट से मुझे टेन परसेंट एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है यही फैक्ट्री अगर मैं आसाम में शिफ्ट कर दूँ तो मेरा एक्साइज ड्यूटी का सेविंग हो जाएगा ठीक है भाई जो भी यहाँ पर उस वक्त अपना सेल्स टैक्स लगता था ठीक है हम चेक कर लेंगे कि भाई सेल्स टैक्स में क्या ड्यूटी कैसे रहता है वी विल वर्क आउट सो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज थे जो आसाम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे थे ये सारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ सेटअप करते थे आसाम में सेटअप करते थे इनफैक्ट ब्रिटानिया ब्रिटानिया ने खुद ने भी यही काम किया था आसाम में उन्होंने अपना बिस्किट का फैक्ट्री वहां पर सेटअप किया लॉर्ड ऑफ फैक्ट्रीज दे यूज टू डेलीकेट द वर्क ऑन जॉब वर्क बेसिस जॉब वर्क बेसिस पे भी वो यहाँ पर क्या करते थे फैक्ट्रीज को असम में फैक्ट्रीज़ को डेलीकेट कर देते थे और फिर जो उनका सप्लाई था असम में जो सप्लाई था वो केटर करते थे जैसे मैं आपको बताता हूँ आईटीसी का आशीर्वाद आटा तो आईटीसी का आशीर्वाद आटा आईटीसी खुद नहीं बनाता ठीक है आईटीसी क्या करता है आईटीसी प्रोवाइड्स व्हीट टू द फैक्ट्री पीपल और ये जो फैक्ट्री वाले होते हैं चक्की मिल वाला जो रहता है वो इस व्हीट को कन्वर्ट कर देते हैं किस में वो पाउडर आटा के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसका पैकेजिंग करके उसके ऊपर आई का पैकेट लगा देते हैं फिर आई वाला इसको जहाँ जहाँ सप्लाई करना है उसको उसको ये सप्लाई कर देता है सो दिस इज़ हाउ इट यूज टू वर्क अब ये भी क्या हो गया दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम ओनली और आपको डिसाइड करना है कि हम फैक्ट्री कहाँ लगाएं आसाम में लगाएं वेस्ट बंगाल में लगाएँ अलग अलग कॉन्सिक्वेंस है इसके अलग अलग इसके कॉन्सिक्वेंस है आई स्टिल रिमेंबर आई हैड हैडन स्टूडेंट इन आई आर सी टी सी मतलब मेरे से काफी एज में बड़े थे वो तो आई आर सी टी सी के अंदर वो थे और उन्होंने बताया था कि आई आर सी टी सी प्रपोजल कर रहा है कि एक वाटर बॉटल का प्लांट लगाए ठीक है वो प्लान कर रहे थे कि एक वाटर बॉटल का हम प्लांट लगाए जो आपका रेल नीर का जो होता है ना रेल नीर रेल नीर का एक प्लांट हम लगाए नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि आप देखो नॉर्थ ईस्ट में पानी की कमी नहीं है सो so यहां पर उन्होंने बोला हम नॉर्थ ईस्ट में रेल नीर का प्लांट लगा रहे हैं, उसके प्रपोजल के ऊपर बात हो रहा है सो so वेन जब ये प्रपोजल डिस्कस हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज यू नो टीचिंग हिम तो जब ये प्रपोजल आया और जब ये प्रपोजल न हुआ तब भी ये डिस्कशन हुआ तो मैंने बोला नेर, रेल नीर का प्लांट आप आराम से लगा सकते थे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पानी तो अबेंडेंस में आपके पास अवेलेबल है तो आराम से आपके लिए कॉस्ट पर उन्होंने बताया कि अगर नॉर्थ ईस्ट में हम प्लांट लगाते हैं तो प्रॉब्लम यह है था कि इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब सेट किया गया तो इट वॉज़ नॉट कंसिडर्ड एज़ फिजिबल बिकॉज नॉर्थ ईस्ट से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पानी का तो कॉस्ट रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो कम है बट आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा व्हेन वी आर गोइंग टू सप्लाई टू ऑल ओवर इंडिया तो इस इस केस में ये फीजेबल नहीं रहेगा तो ये भी क्या हो गया एक तरीके से आपका पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम जो हमने यहां पर डिस्कस किया था वॉट शुड बी द लोकेशन ऑफ द प्लांट सो दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल आप अगर ध्यान दो मुंबई के अंदर भी या आप किसी भी दिल्ली में भी अगर आप चेक करो दिल्ली में भी अगर आप देखोगे तो दिल्ली के दिल्ली के अंदर फैक्ट्री नहीं है बट दिल्ली के आसपास में देर आर मेनी प्लेसेस वहां पर आपके फैक्ट्रीज लगते हैं सेम वे अगर आप मुंबई में चेक करो तो मुंबई के अंदर इतने फैक्ट्रीज नहीं है बट मुंबई के आसपास में आपको भिवंडी जैसे अगर आप चेक करो अगर आप ये चेक करो भिवंडी वहां पर इन्होंने फैक्ट्रीज लगा के रखा हुआ है राइट अभी इससे फायदा क्या होता है भिवंडी में वो फैक्ट्री लगाते हैं और फटक से उनको यहां पर सप्लाई करना इजी हो जाता है वसई विरार बिल्कुल करेक्ट पनवेल देन इवन आई वुड टेल यू सिलवासा फर्नीचर मार्केट के लिए सिलवासा जो है दैट इज वट दैट इज अ फर्नीचर मार्केट हब तो जितने भी अपने इंडिया के बड़े फर्नीचर फैक्ट्रीज है वो सब कहाँ पर है दे आर ऑल एट सिलवासा प्लास्टिसाइजर वापी सिलवासा बिल्कुल करेक्ट तो ये इन्होंने यहाँ पे आसपास में क्यों रखा हुआ है बिकॉज आप चेक करो मुंबई इज अ हब मुंबई इज अ हब मुंबई इज अ मार्केट यहां पर पोर्ट है इधर से एक्सपोर्ट्स वगैरह भी हो सकता है अब प्रॉब्लम यह है कि मुंबई में अगर आप फैक्ट्री लगाओ तो आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा और मुंबई के बाहर अगर, अगर आप लगाते हो तो आपका कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाएगा प्लस रेस्ट्रिक्शंस का आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा है सिटी के अंदर तो सिटी के बाहर अगर, अगर आप लगाओगे तो आपको बेनिफिट रहेगा सो दिस इज हाउ इट वर्क्स राइट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एज आई सेड एग्जाम में इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा आपको इतना बिल्कुल जीन्स इन उल्लास नगर करेक्ट सो कपड़ों का मार्केट है बहुत बड़ा उल्लासनगर राइट सो आप यहाँ पर चेक करो इट अफेक्ट्स द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द मार्केट्स टू बी सर्व्ड एंड द मैनर इन्वेस्ट द मार्केट्स आर टू बी सर्व सो ऑल दिस कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन सिस्टम स्ट्रक्चर एंड दब्जेक्टिव विच आर यूज टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल प्लान एंड द पॉलिसीज फिर आप देखो दस द स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन फॉर इंस्टेंस विल अफेक्ट दट प्रोडक्ट आर टू बी ऑफर्ड टू विच मार्केट एंड हाउ दीज ऑफर्ड मार्केट्स आर टू बी सर्व देन द ऑपरेशन सिस्टम स्ट्रक्चर विच इज कंसर्न विद द मैनुफैक्चरिंग सर्विस और सप्लाई और डिलीवरी सिस्टम एंड ऑपरेशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव विच आर रिलेटेड टू कस्टमर सर्विस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन बोथ डिटरमाइन वट ऑपरेशन प्लान एंड पॉलिसीज आर टू भी सेट इंट्रोडक्शन कोई बहुत ज्यादा आपके काम का है सच नहीं है दिस यू कैन जस्ट रीड एंड यू कैन टेक एक्सट्रैक्ट फॉर योर नोट्स इसमें से कोई लाइन अगर आपको लगता है कि आप नोट्स में इसको यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अदरवाइज इसके ऊपर ऐसा जैसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं अब अगर आप देखो प्रोडक्शन सिस्टम तो जैसे हमने वो डायग्राम में चेक किया था सो एज अगेन आइज एड प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो टू मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन आपको यहां पर नहीं मिलेगा और आपने जो डायग्राम यहां पर चेक किया था दिस वन डायग्राम आप आराम से मस्त बना के अपने आंसर को सेट कर सकते हो तो आप चेक करो यहां पर क्या है सो द प्रोडक्शन सिस्टम इज कंसर्न विद व्हाट कैपेसिटी लोकेशन ले प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन वर्क सिस्टम डिग्री ऑफ ऑटोमेशन एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन मैंने सारे यही वर्ड्स यूज किए हैं एंड सच अदर फैक्टर्स ऑल दोज फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट प्रोडक्शन दैट इंपैक्ट

ना फैक्ट्रीज़ टू भी सेटअप अभी अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो रेल नीर वाला भाई नॉर्थ ईस्ट में पानी का अवेलेबिलिटी बहुत है एक काम करो नॉर्थ ईस्ट में फैक्ट्री लगा दो बाद में फैक्ट्री लगाने के बाद इनको पता चला अरे यार यहाँ से तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ओवरऑल कॉस्ट ही ज़्यादा निकल रहा है इट इज़ नॉट फिजेबल तो आप मुझे बताओ क्या हनुमान जी आएंगे ये फैक्ट्री को उठा के थ ई ईस्ट से किसी सेंट्रल इंडिया में कहीं पर सेटअप करने के लिए आंसर इज नो तो आपने ये जो फैक्ट्री को यहां पे सेटअप कर दिया दिस इज अगेन लाइक योर कैपिटल बजटिंग कॉस्ट राइट कैपिटल बजटिंग में जो आप देखते हो कैश आउटफ्लो हो चुका है और ये आपका संक कॉस्ट हो जाएगा फिर आप सिंपली चेक करो ये आपका संक कॉस्ट हो जाएगा ये जो आपने यहाँ पर एक बार खर्चा कर दिया कर दिया this, <coughs> इसका कोई आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला सो दैट इज वाई यू सेटअप एंड यू डिसाइड वेर

एग्रोकेमिकल uh, प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो इन्होंने क्या किया दे हैव अडॉप्टेड अ सक्सेसिव पॉलिसी फॉर वर्टिकल इंटीग्रेशन सेम वे अगर आप चेक करो मारुति सुजुकी उन्होंने भी क्या किया अमेजिंग वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है और उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और इन्होंने कौन सा वर्टिकल इंटीग्रेशन किया बैकवर्ड बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन इन्होंने किया इसकी वजह से मारुति सुजुकी को काफ़ी फ़ायदा हुआ पहले मारुति सिर्फ कार की बॉडी बनाता था बाकी जो कार में एसी लगता है उसमें टायर लगते हैं और वो इंजन भी बनाता था तो ये सब मारुति बनाता था बाकी सब वो जॉब वर्क पे देता था और सबसे खरीदता था अभी धीरे धीरे क्या किया उसने सारे कंपनीज को अक्वायर करना शुरू कर दिया और सिंपली अब मारुति का खुद का ओन्ड प्रोडक्शन हो गया तो ये आपका क्या हो गया बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन किया एंड अगेन पार्ट ऑफ द वर्ट इट इज पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम फिर अगर आप देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन या ऑपरेशनल कंट्रोल का तो आप देखो इसके ऊपर भी अगेन मुझे यहाँ का जो मटेरियल मिला इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो मटेरियल मिला ये मटेरियल कम है इसमें भी अगर आप देखो तो ये खाली एग्जाम्पल में एक पैराग्राफ इन्होंने ख़त्म कर दिया और यहाँ पर मसाला थोड़ा कम है अगेन अगर एग्ज़ाम में आए तो ये टू मार्क्स के लिए आएगा उससे ज़्यादा नहीं आने वाला तो हम यहाँ इस वाले प्रोवेशन को तो बाद में पढ़ते हैं लेट्स मेक जैसे यहाँ पर मैंने आपको इसके थ्रू समझाया बिल्कुल वैसे ही मैं आपको एक और चार्ट बना के यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है उसको मैं समझा देता हूँ बट बिफोर वी बिगिन आप मुझे बताओ वट यू मीन बाय द वर्ड कंट्रोल आप मुझे बताओ कंट्रोल से आपका क्या तात्पर्य है जो हम यहां पे वर्ड यूज करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल ओके हर्ष करेक्ट कॉस्ट कंट्रोल अगर आप बोल सकते हो तो एक कॉस्ट कंट्रोल ठीक है और कॉस्ट कंट्रोल में भी आप क्या करते हो वट यू डू इन कॉस्ट कंट्रोल वेस्टेज कंट्रोल ओके

अब मुझे बताओ प्रोडक्शन के अंदर जो आप प्लानिंग कर रहे हो उसमें आप इंस्पेक्शन कैसे करोगे हाउ डू यू डू कंट्रोल इन प्रोडक्शन कॉस्टिंग से रिलेट करो बिल्कुल कॉस्टिंग से आप इसको कनेक्ट करो कि प्रोडक्शन में आप कंट्रोल की जब बात कर रहे हो हाउ डू डू दैट प्रॉपर रॉ मटेरियल्स देखो कॉस्टिंग से रिलेटेड आप लेगा स्टैंडर्ड्स वेरी गुड आप यहाँ पे प्रोडक्शन कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेटअप द स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स को फिर आप कंपेयर करते हो किसके साथ अपने एक्चुअल्स के साथ और फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दो ही चीज निकलता है या तो एडवर्स या फिर फेवरेबल करेक्ट तो आप ये दोनों चीजों को चेक करते हो वेरिएंस को कैलकुलेट करते हो अवॉइड द वेस्टेज करेक्ट एग्जीक्यूट द प्लान एज पर द प्लान देन इसके अलावा आप बजट्स भी सेटअप करते हो राइट ऑप्टिमम वेरी गुड बजट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेक्ट तो यहाँ पर आपका बजट सेटअप हो जाएगा फिर आप यहाँ पर क्या करोगे यू विल ऑल्सो डू कॉस्ट कंट्रोल देखो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर इसके अलावा आप क्वालिटी भी कंट्रोल करोगे कि किस तरीके का गुड्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल भी आ जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाले चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आप अपने बाकी सब्जेक्ट से इसको लिंक करना और इसमें मैंने आपको जो प्रोडक्शन के टाइम पर बोला था हेडसेट कि आप सिर्फ कॉस्टिंग को दिमाग में लगाओ और वो तो जो की टर्म्स है उसको आप लिखते जाओगे आपको अपने आप मार्क्स मिलता जाएगा एंड ट्रस्ट मी वेन यू विल राइट आंसर फॉर दिस यू विल हैव यू नो द नंबर ऑफ वर्ड्स विच यू आर गोइंग टू यूज विल बी फार मोर देन वॉट इज रिटन इन द मॉड्यूल एंड दैट वुड बी ऑल रेलिवेंट राइट फिर आप यहां पर देखो आप प्लांट एंड मशीनरी जो आपका होता है आप उसके मेंटेनेंस का भी ध्यान रखोगे क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे तो पूरा काम चल रहा है अपना सो प्लांट एंड प्लांट एंड मशीनरी उसके मेंटेनेंस पे आप ध्यान रखते हो अच्छा आप मुझे बताओ ये चेक करने से क्या होगा ये तो है कि हम प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या करते हैं सो दिस इज वॉट दिस आंसर फॉर वॉट आप मुझे बताओ वाई डू वी डू ये इंस्पेक्शन हमें क्यों चाहिए वाई एफिशिएंसी अब देखो दो वर्ड तो अपने दिमाग में एसएम सेट ही कर लेना एक तो एफिशिएंसी और दूसरा वर्ड आपके पास आ जाएगा इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इसके अलावा रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस इसके अलावा चेक में आप डे टू डे प्लानिंग भी सेटअप करके रखते हो और इससे आप क्या मेनटेन करके रखोगे यू विल बी एबल टू मेटेन वन इज कॉस्ट अनदर इज क्वालिटी तो यह आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है ये कॉस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट दोनों की तरह काम करता है सो हियर इफ आई राइट वर्क लाइक अस्ट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट अब आप मुझे बताओ यह आपको समझ में आया कि नहीं आया क्लियर और नॉट बस अगर आपके दिमाग में यह सेट है तो आप देखिए हम मॉड्यूल में देखते हैं मॉड्यूल से बेटर अपना आपका अपना कॉन्टेंट आ जाएगा सो स्ट्रेटेजी रिलेटेड टू ऑपरेशनल प्लानिंग ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कंसर्न विद वट एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग आप बजट बनाते हो मटीरियल सप्लाई इन्वेंट्री कॉस्ट देन योर क्वालिटी मैनेजमेंट मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट मिला देन हियर द एम ऑफ द स्ट्रैटी तो आपका ये पॉइंट आ गया एम ऑफ द स्ट्रैटेजी इज टू इम्प्लीमेंट एंड सी हाउ एफिशियंटली रिसोर्सेज आर यूटिलाइज इन वट मैनर टू द डे टू डे ऑपरेशन कैन बी मैनेज इन लाइट ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल इट प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी दैट इज एम टू ट्रांसलेटिंग द ऑब्जेक्टिव इन टू द रियालिटी तो जो आपने यहां पर अभी आई थिंक करिश्मा आपने बोला था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो यहां पर आपका ये पार्ट आ जाता है मैं यहीं पर साइड में लिख देता हूं आपके इजिली कनेक्ट कर लेंगे इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो ये आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा राइट right? एग्जाम्पल अगर लिखते हो तो लिखो नहीं तो इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि टू मार्क्स के लिए आएगा तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है अब आ जाता है आपके पास क्या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट फ्रेंकली अगर बताऊँ तो मुझे आपका मॉड्यूल काफी अच्छे तरह से ड्राफ्ट हुआ है बट वेन इट कम्स टू फ्यू टॉपिक्स वहाँ पर इंस्टीट्यूट ने इतना ज़्यादा मेरे को लगता है कॉन्टेंट को क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इसको क्रिस्प में लेके आना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और इंस्टीट्यूट ने यहाँ इसको जितना क्रिस्प करने का कोशिश किया उतना इसका थोड़ा कचरा हो गया बट अगेन हम यहाँ पर एक काम करते हैं सेम वे पहले हम यहाँ पर इस तरह से चार्ट के थ्रू इसको समझते हैं फिर हम मॉड्यूल से भी आकर इसको पढ़ेंगे तो जब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का कैन एनी टेल मी लॉजिस्टिक वर्ड कहाँ से निकल के आया है जिन्होंने बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज मुझसे पढ़ा है मैं उनसे तो डेफिनेटली आंसर एक्सपेक्ट करूंगा या जिन्होंने भी सी फाउंडेशन का एग्जाम दिया है उन सबको वेदर आप मुझसे पढ़े थे या नहीं वेरी गुड मिलिट्री लॉजिस्टिक मैनेजमेंट तो लॉजिस्टिक वर्ड जो है ये वर्ड कहां से निकल के इट्स अ टर्म विच इज यूज इन मिलिट्री और मिलिट्री में ये टर्म किसके लिए यूज होता था आर्म्स एम्यूनेशंस करेक्ट इसके अलावा सोल्जर्स आर्मी जो आपका रहेगा देन योर फूड एट्सेट्रा जो भी चीजें एक लड़ाई लड़ने के लिए आपको चाहिए उसको हम क्या बोलते थे लॉजिस्टिक्स तो कई बार आप वो वॉर मूवीज जब देखते तो नहीं बोलते कि वो दुश्मन पहाड़ पे बैठा है और ये पूरे हाईवे को ब्लॉक कर देता है तो इन्होंने अगर इस हाईवे यहां पर अगर आ गए और इस हाईवे को ब्लॉक कर दिया तो हमारे बटालियन के पास लॉजिस्टिक्स पहुंचना इंपॉसिबल हो जाएगा लक्ष्य मूवी अगर आपको ध्यान हो तो राइट right? उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही था सो so, आप यहाँ पर चेक करना कि जो भी यहाँ पर पहाड़ी पे रहता है अभी भी अगर आप देखोगे इंडिया चाइना में जो चल रहा है तो फिंगर फोर के ऊपर जो लड़ाई हो रहा है वो इसी के इसी के लिए हो रहा है कि अगर फिंगर फोर पे चाइना पहुँच गया टॉप पे तो वहाँ से इंडिया का कट ऑफ कर देगा वो अक्साई चिन को और जो आपका ले वाला एरिया है वहाँ पे देर सर्टन एरियाज जिसको वो ब्लॉक कर देगा बट एनी वे अगर आप चेक करो वापस है लॉजिस्टिक के ऊपर अगर हम आए तो इट्स अ मिलिट्री टर्म जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है आर्म्स एम्यशन सोल्जर्स फूड और वट एवर इज़ रिक्वायर्ड बाई द आर्मी देयर अब अगर हम बात करें लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यहाँ पर डील करता है किसके साथ सप्लाई के साथ सप्लाई ऑफ द मटीरियल्स सो यहाँ पर जो आपके सप्लाईज़ है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है या yeah, उसका मैनेजमेंट किसके अंडर होगा दैट मैनेजमेंट विल बी अंडर द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अच्छा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में हम क्यों करते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू मीट द कस्टमर डिमांड एंड ये कस्टमर डिमांड को मीट करने के लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं उसमें हम प्रॉपर कंट्रोल रखते हैं अभी अभी हमने चेक किया और जो भी हमने यहाँ पर प्लान्स को बनाया है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे किस चीज का ऑफ इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ द सप्लाईज गुड्स सर्विसेस एंड सप्लाईज कहां से कहां तक फ्रॉम द ओरिजिन टिल डेस्टिनेशन गाइस ध्यान रखना यहां पर मैं जो जो वर्ड्स आपको बता रहा हूं ये बहुत सिलेक्ट करके मैंने वर्ड्स को पिक किया है सो so दैट आप अपने आंसर में जब इसको लिखो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए बिल्कुल तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आप क्या करोगे यू मैनेज द सप्लाई You also meet the customer demand through proper planning, control and implementation for or of the effective movement of the goods, supplies and goods, services and supplies from the origin till the destination. ab logistic management se hoga kya agar aap dhyan do जब आप इस तरह से work out करोगे, याकिन देखो common points निकल के आएंगे. Logistic management से दो major चीज़ हो जाता है. एक तो आपका expenses जो होगा, उसमें एक आपको मार्जिनली रिडक्शन होगा सो द एक्सपेंसेस विल बी रिड्यूस्ड मार्जिनली आपका ये रिड्यूस होता है इसके अलावा जब आपके सप्लाईज ध्यान रखना यहाँ पर वर्ड कहाँ यूज किया उसने डेस्टिनेशन तक ठीक है मतलब जो भी आपका यहाँ पर गुड्स रहेगा वो टाइमली वहाँ पर डिलीवर होने वाला है सो so इससे आपका इनहैंस्ड कस्टमर सर्विस हो जाता है राइट सो यू विल हैव इन्हांस कस्टमर सर्विसेस जब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का लाइक वी हैव टू ऑपटेन द रॉ मटेरियल सो टू ऑपटेन रॉ मटेरियल मींस उसको हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे प्रोक्योरमेंट सो वीट वेन वी टॉक अबाउट द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल जब आप किसी भी बिजनेस uh, में रॉ मटीरियल को लोगे तो रॉ मटीरियल खरीदते वक्त आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे वॉट आर द फैक्टर्स विच यू विल टेक इन टू कंसिडरेशन वेन यू आर गोइंग टू परचेज रॉ मटीरियल क्योंकि देखो लॉजिस्टिक <coughs> मैनेजमेंट में आप क्या कर रहे हो फ्रॉम द ओरिजिन मतलब जहाँ से रॉ मटीरियल्स आप खरीद रहे हो वहाँ से लेके एंड तक तो आप यहाँ पर चेक करो फास्ट अवेलेबिलिटी कैरिंग कॉस्ट ओके तो यहाँ पर आप कॉस्ट को ध्यान में रखोगे ओके okay. इसके अलावा फास्ट अवेलेबिलिटी ओके सो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखोगे अवेलेबिलिटी देखो कॉस्टिंग के सब टर्म्स निकल के आएंगे पास अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी ओके क्वालिटी के लिए आप किसको ध्यान रखोगे देखो क्वालिटी भी आ जाता है और क्वालिटी के लिए आप किसका ध्यान रखोगे क्वालिटी के लिए यू विल इंश्योर दैट यू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वेंडर यस और नो आप एक अप्रोप्रिएट वेंडर को ढूंढोगे जो आपको हेल्प करेगा इसके अलावा क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके लिए सप्लाई टाइम बिल्कुल करिश्मा करेक्ट यहाँ पर आप जो सप्लाई टाइम कर रहे हो मूवमेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप ये भी चेक करोगे

मोस्ट कॉम्पिटेंट मेथड ऑफ डिलीवरी तो यह भी आपके फर्दर और फैक्टर्स हो गए जिनको आप ध्यान रखोगे वेन यू टॉक अबाउट द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करेक्ट डिसीशन मेकिंग ईओ क्यू बिल्कुल बट ध्यान रखना हम देवांग ईओ क्यू को डिफाइन करने की मतलब ईओ क्यू को लिखने की बजाय विदाउट यूजिंग द वर्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और अदर इसमें आप लिख सकते हो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में यू विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कितना आपको गुड्स को ऑर्डर करना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे मेकिंग टेल मी मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर है तो उससे क्या फायदा होगा वट विल बी द बेनिफिट ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट तीन मेजर बेनिफिट्स तीन मेजर बेनिफिट्स क्या हो जाएगा हमने यहां पर देखा एक्सपेंसेस रिड्यूस्ड एंड एनहैंस कस्टमर सर्विसेज ठीक है इसके अलावा अगर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट टाइम सेविंग आपका रहेगा अगर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज नॉट देयर ठीक है अगर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट नहीं है तो वहां पर क्या होगा देयर विल बी डिलेज राइट इफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज नॉट देयर देयर विल बी डिलेज देन देयर विल बी इंक्रीज एक्सपेंसेस क्योंकि डैमेजेस वगैरह होंगे ज्यादा अगर आप प्रॉपरली लेकर नहीं आओगे तो गुड्स डैमेजेस हो जाएंगे इन ट्रांसिट जैसे होता है तो आप इन सब को क्या कर सकते हो यू कैन अवॉइड वाया लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और बाय अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अब बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं ये आपको समझ में आया कि नहीं आप बस खाली ये दो स्लाइड को अपने दिमाग में अगर सेट रखो और जो हम अभी मॉड्यूल से पढ़ेंगे उसको सेट रखो तो आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेट हो जाएगा ध्यान रखना लॉजिस्टिक मैनेजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है एंड दे कैन आस्क यू फॉर फाइव मार्क्स ऑल्सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट राइट तो ये मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ आपके लिए कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन आज यू फॉर फाइव मार्क्स और पूछा भी है उन्होंने यहाँ पे तो आप देखो यहां पर क्या रहा मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इज अ प्रोसेस विच आप ये देखो विच इंटीग्रेट द फ्लो ऑफ सप्लाईज इंटू थ्रू एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द लेवल ऑफ सर्विसेज विच इंश्योर्स दैट राइट मटीरियल्स आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड ऑफ द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट कॉस्ट ईओ क्यू वाला पॉइंट आ जाता है आपका यहाँ राइट आप यहां पर ध्यान रखना यह बहुत अच्छा लाइन है आप ये लिखोगे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या करता है इट इंश्योर्स दैट द राइट मटीरियल्स आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम ऑफ द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट कॉस्ट ये कौन इंश्योर करेगा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आपके आंसर में यह पॉइंट होना जरूरी है फिर फर्दर आप देखो ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई टू कीप द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स एज लो एज पॉसिबल कंसिस्टेंट विद द सेफ एंड रिलायबल डिलीवरी सेफ एंड रिलायबल डिलीवरी आगे अगर आप देखोगे हम पढ़ेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो अपना अगला टॉपिक है वो क्या होता है वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ठीक है ये क्या हेल्प करता है दे हेल्प इन लॉजिस्टिक्स एंड इनेबल द कंपनी टू हैव अ कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रैक्ट

इफेक्टिव लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी वुड इन्वॉल्व रेजिंग एंड फैंडिंग सोलूशंस टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दिस कैन बी एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को लेके आने के लिए आपको क्या क्या क्वेश्चन को आंसर करना होगा अब आप देखो अगेन कॉस्टिंग के आंसर्स मिलेंगे विच इज दोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कॉम्पोनेट्स क्या वो इजिली अवेलेबल है कि नहीं तो आपने अवेलेबिलिटी बताया हाउ मैनी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन आर देयर ठीक है उसके हिसाब से आप रॉ मटीरियल को यहाँ पर सेटअप करोगे देन अगर आप देखो वट प्रोडक्ट आर बींग मेड एट ईच मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन देन वट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी यूज फॉर वेरियस प्रोडक्ट वट इज द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज किस तरह से गुड्स आपको देखो यहाँ पर दो चीजों में ध्यान रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी मतलब आपके पास जो रॉ मटीरियल आ रहा है वो बोथ इन बाउंड एंड आउट बाउंड लॉजिस्टिक देखो दो टर्म आते हैं ये आपके मॉड्यूल में टर्म मिसिंग है इन बाउंड एंड आउट बाउंड लॉजिस्टिक इन बाउंड एंड आउट बाउंड लॉजिस्टिक्स करेक्ट ये आप ध्यान रखना देन वॉट इज द नेचर ऑफ द मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट प्रोसेस्ड इज इट आइडल ठीक है मटीरियल्स को आप जिस तरह से हैंडल करते हो रिमेंबर मैक्सिमम क्वान्टिटी मिनिमम क्वांटिटी फिर स्टोर स्टोर लेजर ये सारा प्रोविशंस आपका यहां पे आता है फिर आप देखो वॉट इज द मेथड ऑफ डिप्लॉइंग द इन्वेंट्री इन लॉजिस्टिक नेटवर्क एंड शुड द फॉर्म ओ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और नॉट मतलब बेसिकली ये बात हो रहा है किस चीज का कि ऑर्गेनाइजेशन का सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन रहे या उसको ये लोग आउटसोर्स करें दोनों में से क्या करें ये उसके ऊपर आ जाता है नाउ अगेन बेनिफिट ऑफ लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी या इंप्रूवमेंट इन द लॉजिस्टिक कैन रिजल्ट इन वॉट इट रिजल्ट इन सेविंग्स ऑफ द कॉस्ट करेक्ट और वो आपके प्रॉफिट्स में रिवील हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज होगा कॉस्ट तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन कॉस्ट सेविंग रिड्यूस्ड इन्वेंट्री इंप्रूव्ड डिलीवरी टाइम अच्छा रिड्यूस इन्वेंट्री में क्या फायदा होगा वट वट इज द बेनिफिट ऑफ रिड्यूस इन्वेंट्री आई थिंक किसी ने थोड़े टाइम पहले आंसर भी किया था अगेन आई थिंक करिश्मा माइड ओनली आंसर्ड रिड्यूस सेल रिड्यूस इन्वेंट्री सेल स्टोरेज कॉस्ट करेक्ट देवांग ने भी जैसे यहां पे बताया और करिश्मा ने भी बताया कि आपका जो कैरिंग कॉस्ट हा तो आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो कैरिंग कॉस्ट यहां पर रिड्यूस हो जाएगा द कैरिंग कॉस्ट गेट्स रिड्यूस द स्टोरेज कॉस्ट गेट्स रिड्यूस राइट हाँ राइट सना करेक्ट फिर आप देखो यहां पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा क्योंकि आप ऑन टाइम डिलीवरी करोगे एंड दैट इज गोइंग टू बी योर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दैट इज़ गोइंग टू बी ओअर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज तो आप इसको एक एक करके लिंक कर सकते हो कॉस्ट सेविंग होगा कैसे कॉस्ट सेविंग होगा क्योंकि आपका इन्वेंट्री वगैरह कम रहेगा और इससे आपका कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा तो ये दो पॉइंट को आपने जोड़ के एक मतलब बेसिकली इंटरलिंक कर दिया ये दोनों पॉइंट को आप इंटरलिंक कर दोगे और अगर ये दोनों पॉइंट मतलब और इन दोनों को इंटर लिंक करके आप क्या बना दोगे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कि भाई खर्चा कम कस्टमर ज़्यादा स्ट्रॉक तो आपका

दिस इज दी ऑर्गेनाइजेशन तो ये हो गया आउट बाउंड और ये यहाँ पर आ जाता है इन बाउंड लॉजिस्टिक्स सो दिस इज ऑर्ड गोस इन बाउंड लॉजिस्टिकाउंड लॉजिस्टिक राइट जाता ओके okay. अब देखो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे और आपको एग्जाम में अगेन ये एक फाइव मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है और ज्यादा चांसेस किसके होंगे वो आपको एक कंपेरेटिव स्टडी बताएगा या इस तरह से करके क्वेश्चन देगा इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेम एज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट देखो अगला क्वेश्चन यही है आपका इस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेम एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो क्वेश्चन बेसिकली आपको इसके ऊपर मिलता है अब आप देखो मैं यहां पे आपको अगेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी चार्ट के फॉर्म में आपको समझा देता हूं दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू अब देखो जब हम बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप देखो अगेन इनपुट आउटपुट रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन अब हम मैं जो इनपुट आउटपुट और प्रोसेस जो था अपना उसको मैं चेंज करता हूँ आप देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगेन ये इनपुट है ये प्रोसेस है और ये आउटपुट है अगर मैं बात करता हूँ इनपुट तो इनपुट में आपके पास कौन रहेंगे आपके सप्लायर्स ठीक है इनपुट रिप्रेजेंट यर सप्लायर्स प्रोसेस में यहाँ पर कौन आ जाएगा आपके मैनुफैक्चर मैन्युफैक्चरर ओके और आप यहाँ पर आउटपुट में अगर आप देखोगे तो ये आपका आ जाता है आपके कस्टमर्स या कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ये सारा चीज तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप किन चीजों का ध्यान रखते हो यहां पर जब आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट लगाओगे तो यहां पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो ध्यान रखेगा अबाउट द मूवमेंट ऑफ रॉ मटीरियल्स इन टू द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और यहां पर जब आप चेक करोगे इधर वो फोकस किसके ऊपर रखेगा मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो अभी आपने डिस्कस किया था इन बाउंड एंड आउट बाउंड सो मूवमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अच्छा यहां पर मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स इन टू द ऑर्गेनाइजेशन कहां से दिस विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से आपका रॉ मटेरियल्स इनिशिएट हो रहा है वहां से जहां से आपने प्रोक्योर किया वो और मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किधर टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन जहां पर कि आपका गुड्स क्या हो रहा है वो कंज्यूम हो रहा है अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरा आपका ये है इसके अलावा अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में देखो तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए दो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है दो तरीके का या तो वो क्या बोलेगा कि वो क्या बोले हम एक काम करते हैं वी विल आउटसोर्स द सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क प्लस वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द कोर कॉम्पिटेंसी वी विल फोकस ऑन द कोर कॉम्पिटेंसी एक स्ट्रेटजी तो ये हो गया दूसरा स्ट्रेटेजी आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या दिमाग लगा सकते हो कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन हाउस ही हैंडल करो दोनों के अपने बेनिफिट है दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं करेक्ट आप सिंपली चेक करो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेगा वी विल फोकस ओनली ऑन द कोर कॉम्पिटेंसी तो हमारा कोर कॉम्पिटेंसी क्या है फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग तो वो बोलेगा हम सिर्फ गुड्स को मैनुफैक्चर करेंगे रॉ मटेरियल्स कैसे आएगा उसको आउटसोर्स कर दिया रॉ मटेरियल्स बाहर कैसे जाएगा उसको भी हमने आउटसोर्स कर दिया जस्ट लाइक हाउ इट हैपन्स इन केस ऑफ वेडिंग्स हम अपने कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस रखेंगे फूफा जी को मनाना बाकी आउटसोर्स कर देंगे केटरिंग का काम करेक्ट या फिर आप फूफा जी को भी मना लो केटरिंग का काम भी संभालो सारी चीज़ें आप खुद देख लो सो दिस इज हाउ इट गोस तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है दिस लुक्स सेम लाइक द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बट ध्यान रखना सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एक्सटेंशन आगे हम इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पढ़ेंगे और अगर एक काम करते हैं यहाँ पर मैं आपको इसका कंपेरेटिव स्टडी भी बता देता हूँ तो आप यहाँ पर देखो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है दिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज वॉट दिस इज the improved version of logistic management this is the improved version of the logistic management to aap dekho main iska ek comparative study aapko bana kar de deta hu supply chain management and logistic management aur yahan par hum le lete hain basis Again ये आपके module से नहीं है module के बाहर से तो अगर मैं यहाँ पर आपको सबसे पहला difference बताऊँ that is the meaning. तो so, meaning में अगर आप देखो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आप क्या करते हो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द मूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड्स इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जबकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है इट वर्क्स लाइक अ कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सप्लाईज ये आपका आ जाता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में दूसरा मेजर डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊँ तो आप देखो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हियर द ऑब्जेक्टिव इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या रहता है इट इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हीरा इट इज अदर वे राउंड इट इज अदर वे राउंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया ना इट इज अ इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सो वन ऑफ द आर्म ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज व्हाट इट इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सो हियर इट वर्क्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करेक्ट और यही आपको एक और बेसिस मैं यहां पर दे सकता हूं एवोल्यूशन सो एवोल्यूशन के अंदर ये आपका एक नैरो कांसेप्ट है जो सिर्फ मटेरियल्स और इन सब के ऊपर फोकस करता है और ये आपका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड दैट इज वाई वी से दैट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज वन ऑफ द आर्म ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये आपका एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट माना जाता है दिस इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट इम्प्रूवड वर्जन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और ये वाला जो है दिस वॉज ओल्ड कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलेंगे बट हम क्या बोलेंगे दिस वॉज

So, आप ध्यान रखना जो जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं मैंने ऑलमोस्ट उसी को आपको चार्ट के फॉर्म में यहां पर दे दिया है लिंकेज इनके बीच में लिंकेज ठीक है फिर आप देखो सप्लाई चेन इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटीज या सो सप्लाई चेन इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटीज लाइक सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ मटीरियल कन्वर्जन एंड ऑल्सो logistics now planning and control of supply chain are important components of its management naturally the management of supply chain includes closely working with the channel partners ki aapke suppliers intermediaries and other service providers and also customers technological changes and reduction in information communication cost with increase in the speed has led to the changes in coordination amongst the member of the supply chain network now, ये आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिफाइन किया टेक्निकली अगर देखो तो उन्होंने सिर्फ इसी पॉइंट में ही इतने से पैराग्राफ में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिफाइन किया है और एक पाँच मार्क का क्वेश्चन आ जाता है सो वट एल्स यू कैन राइट यर उसी के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये पूरा चार्ट और ये सब आपको बनाकर बताया अब अगर आप यहाँ पे देखो तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज कंट्रोलिंग की सप्लाई चेन ऑपरेशन और इट्स एक्टिविटीज इट इज़ अ क्रॉस फंक्शनल अप्रोच टू मैनेज द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन द कस्टमर एंड हुटिस्फाइडली एज पॉसिबल सेम पॉइंट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स इन दर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड्स आउटसाइड दर्गेनाइजेशन यहां पर आपके आ गए सप्लायर्स और यहां पर आ गए आपके कस्टमर्स ओके सो दूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटीरियल देखो रॉ मटीरियल वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री फिनिश गुड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजन टिल द पॉइंट ऑफ कंजम्शन ऑर्गेनाइजेश मस्ट रिलाई ऑन द चेन टू सक्सेसफुली कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट फर्दर अगर आप देखो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्राइविंग टू फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसी एंड रिड्यूस दियर ओनरशिप ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटीरियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो जो मैंने आपको बताया था आउटसोर्स करते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन वो क्या बोल रहे हैं हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे हमारे कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर जो भी हमारा मैनुफैक्चरिंग में है इसके अलावा सो गेटिंग द सोर्सेज ऑफ रॉ मटीरियल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये सब हम क्या कर देंगे आउटसोर्स कर देंगे इफ़ यू सी आप एक काम करना ब्लू डार्ट या डी एच एल के वेबसाइट पर जाना ठीक है और वहां पर उनको बोलना मेरे को प्रीमियम मेंबर बनना है यू जस्ट लुक एट तो प्रीमियम मेंबर के लिए अब आपको पूछेगा हाउ मेनी पार्सल्स डू यू हैव राइट तो हम अपना ट्रांसपोर्ट नहीं रखेंगे हमने डीएचएल वालों के साथ टाइप कर लिया कितने कंपनीज होते हैं आप देखो फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट एमेजन इन लोगों ने क्या करके रखा है इन लोगों ने बहुत सारे कोरियर कंपनीज के साथ क्या क्या हुआ है टाइप करके रखा हुआ जो फ्लिपकार्ट है राइट right? तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया दे हैव डन टाई अप इनका एयरलाइंस के साथ टाई अप होता है ई कार्ट येस इनका अब देखो स्पाइस जेट जो है स्पाइस जेट को मैंने क्लोजली चेक किया हुआ है स्पाइस जेट जो है वो वहाँ पर कार्गो बुक करता है स्पाइस जेट जो है वो कार्गो बुक करता है तो आप अपना कार्गो स्पाइस जेट में बुक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हो अदरवाइज़ क्या होगा पैसेंजर मूवमेंट रहेगा बट यहाँ पर पैसेंजर नहीं आप वहाँ पर कार्गो भी जाता है राइट तो ये आपका आउटसोर्स कर देते हैं लोग कि भाई ये जो मूवमेंट ऑफ सप्लाईज और इसको हम एक थर्ड पर्सन को देते हैं जो उसमें एक्सपर्ट है जो उसकी उसका खुद का कोर कॉम्पिटेंसी है हम हमारे कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करेंगे दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड वट एवर द सर्विसेज विच आर देयर नो दिज फंक्शंस कैन बी आउटसोर्स टू दी अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोज एक्टिविटीज एंड कैन परफॉर्म बेटर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर इन अ वे इन द सप्लाई चेन डू नॉट

लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है लॉजिस्टिक एक्टिविटीज टिपिकली इंक्लूड्स व्हाट मैनेजमेंट ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सप्लाई एंड डिमांड प्लानिंग करेक्ट ये सारे एक्टिविटीज सप्लाई चेन में भी होते हैं बट सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है इसके एक अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं यहाँ पर सो सप्लाई लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कैन बी टर्म एज वन ऑफ इट्स पार्ट दैट इज रिलेटेड टू प्लानिंग तो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने लिखा था हीरा जैसे आपने लिखा था इस लॉजिस्टिक इंक्लूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो आप यहाँ पर देखो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कैन बी एज वन ऑफ द पार्ट दैट इज रिलेटेड टू प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड सर्विसेज एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ ओरिजन एंड द पॉइंट ऑफ कंजम्शन ये बताता है आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए इच्स इंक्लूड्स मोर एस्पेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम द लॉजिस्टिक इट इज़ अ टूल फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग द डिलीवरी ऑफ राइट प्रोडक्ट्स एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एट द राइट प्राइस इट रिड्यूसिस द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन एंड एनहेंसेज कस्टमर सर्विस तो अगर आप ओवरऑल चेक करो तो ये वाले ये वाले डिस्टिंग्विश बिट्वीन से थोड़ा सा आपको सेंसेबल वाला पोर्शन ये लगेगा ठीक है ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा सेंसेबल लगेगा हालांकि ये भी जो डिस्टिंगविश बिटवीन बनाया हुआ है ये मेरा नहीं है ये अगेन जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स होता है मैंने उसके मटेरियल से पिक करके आप लोगों को दिया ये आपको नहीं बेसिकली हर बैच को ही मैं ये वाला डिस्टिंग बिटवीन करवा देता हूं तो ये आपके पास आता है मार्क्स मिलेंगे उसका कोई गड़बड़ नहीं है प्लस ये मटेरियल आपके पास ऑलरेडी है यहां पर आप बताओ सप्लाई चेन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज दिस क्लियर और नॉट इज दिस क्लियर और नॉट ओके फर्दर फिर हम यहां पर चेक करते हैं इंप्लीमेंटिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट अब इम्प्लीमेंटिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसके अंदर यह बताया हुआ है ये फैक्ट एक्टिविटीज़ क्या क्या आएगा तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे करेक्ट जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप करते हो सो कस्टमर्स एंड सप्लाईज मस्ट टुगेदर इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस नाउ टेल मी हाउ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स विल वर्क फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट हाउ दे विल हाँ अमर ऑब्वियसली मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है ना इफ़ यू रिमेंबर मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में जो लिंक भेजा हुआ है वो लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू वॉन्ट टू एक्सेस द पी आप वहां से सीधा पी को एक्सेस कर सकते हो आपको डाउनलोड भी नहीं करना सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करो यू कैन रीड इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एंड टेक अ प्रिंट ऑफ दैट तो ये पी आपका बिल्कुल एज एट एज चलता रहेगा राइट करेक्ट रिव्यू फीडबैक आपको कस्टमर से क्या मिलेगा यहाँ पर फीडबैक मिलेगा और सप्लायर से क्या मिलेगा आपको सप्लायर से क्या मिलेगा कस्टमर हाँ, से डिमांड के बारे में भी पता चलेगा आपको राइट right? सप्लायर्स आपको बताएंगे न्यू वराइटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स बेटर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स बिल्कुल तो यहां पर इन दोनों को वर्क करना होगा इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा दे आर गोइंग टू डेवलप द प्रोडक्ट सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पार्टनर्स विल हैव द नॉलेज ऑफ ऑल इन्वॉल्विंग ऑल द पार्टनर्स विल हेल्प शॉर्टनिंग द लाइफ साइकिल

तो जब आप प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात करते हो कि हम रॉ मटेरियल्स कहां से लें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा यू विल हैव टू डू केयरफुल रिसोर्स प्लानिंग आपको क्वालिटीज को चेक करना होगा यू विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन टेक देन नेगोसिएशन ऑर्डर प्लेसमेंट देन योर इन बाउंड ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेजेस तो इन सब को आप यहां पर ध्यान रखोगे कि रॉ मटेरियल्स कहां से प्रोक्योर करें देन यू विल ऑल्सो चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स

हो सकता है जो पेपर चेक कर रहा है उसको EOQ क्यू के बारे में नहीं पता तो जिसको EOQ क्यू के बारे में नहीं पता आप उसको समझा भी दोगे that देन वी प्लेस द ऑर्डर एज पर द इकोनॉमिक ऑर्डर quantity what happens इन केस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर quantity द टोटल कॉस्ट ऑफ मटीरियल इज what इज इट इज एट मिनिमम द कॉस्ट ऑफ materials इज़ एट मिनिमम और आप फिर बता सकते हो द कॉस्ट इन्वॉल्व वट वन इज द मटीरियल कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट करेक्ट कैरिंग कॉस्ट ये सब आप यहाँ पर पूरा लिखोगे सप्लायर्स आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग दी मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस फर्दर अगर आप देखो मैनुफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखो अब ये जस्ट इन टाइम मिनिमम लॉर्ड साइज क्या आपने ये सारा टर्म्स पढ़ा हुआ के अंदर क्या आपने कॉस्टिंग में ये सारे टर्म्स को पढ़ा है एक्जैक्ट सेम वही प्रोसेस है आपका देट फ्लेक्सीबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मस्ट बी इन प्लेस टू रिस्पॉन्ड टू द मार्केट चेंजेस राइट एंड दे शुड बी अडेप्टिव एक तो आप यह लिखोगे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहना चाहिए विच शुड बी अडेप्टिव टू अकोमोडेट द कस्टमाइजेशन एंड चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस करेक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट इन टाइम मिनिमम लॉट साइज करेक्ट इज मिनिमम लॉट साइज इंपॉर्टेंट लॉट्स में आप क्यों मैन्युफैक्चरिंग करोगे मिनिमम लॉट साइज ओके सो जब आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेटअप करते हो ठीक वन एवर यू ट्राई टू येस सेटअप कॉस्ट जब आप जब भी आप मैनुफैक्चरिंग को सेटअप करोगे उसमें एक आपका एक सेटअप कॉस्ट इन्वॉल्व होता है वो सेटअप कॉस्ट आप क्या करते हो यू ट्राई टू रिकवर एटलीस्ट दैट तो अगर आप उतने टाइम के लिए काम नहीं करोगे या उतना लॉट में नहीं बनाओगे तो आपका उससे ज्यादा तो कॉस्ट ही लग जाएगा सेटअप कॉस्ट ही आपका ज्यादा हो जाएगा टेक फॉर एग्जाम्पल आप सिंपली ऐसे चेक करो मैं सब आई स्टे एट बोरीवली ओके मैं बोरीवली से अगर मुझे बोरीवली के बोरीवली पढ़ाने के लिए जाना है ठीक है तो आई वोंट माइंड कि अगर मुझे एक घंटे का ही लेक्चर लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट लेक इफ आई गो टू प्राइम वेशन तो मेरे घर से प्राइम वेशन मिनट वॉक आई वोंट माइंड गोइंग टू प्राइम वेशन एंड टीच देयर फॉर वन आवर एंड आई आईल कम बैक कोई प्रॉब्लम नहीं बट सपोज करो मुझे मुलुंड जाना है पढ़ाने के लिए या लेट से आप मुझे बोलो दादर जाना है और वहाँ जाकर मुझे एक घंटे का लेक्चर लेना है तो मैं क्या बोलूंगा मिनिमम लॉट साइज़ में फिट नहीं बैठेगा वन आवर का लेक्चर वाई बिकॉज मुलुंड जाने के लिए मुझे वन आर वन पॉइंट फाइव आर तो वन वे लग जाएगा डेढ़ घंटा जाने का डेढ़ घंटा आने का तीन घंटे का ट्रैवलिंग के बाद में मैं सिर्फ एक घंटा पढ़ाऊंगा वहाँ पे तो यहाँ मेरा मिनिमम लॉट साइज तो दैट्स सॉ यू विल हैव है चेकअप सेटअप कॉस्ट राइट सो दिस इज दिस गोज़ विद द सेटअप कॉस्ट कि जब आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन को शुरू करते हो तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन को सेटअप करने स्टार्ट करने के लिए जो अभी आप यहाँ पे सेटअप कॉस्ट को बैठाओगे उसके लिए जो आपका कॉस्ट लगेगा उसमें आपके कम से कम इतने मिनिमम लॉट्स निकलने चाहिए तो ही आप ब्रेक इवन कर पाओगे या तो ही प्रॉफिट बना पाओगे सो दैट इज हाउ इट गोस देन चेंजेस इन द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस इज मेड टू रिड्यूस द मैनुफैक्चरिंग साइकिल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का एक और नाम है क्या ऑपरेटिंग साइकिल आपने ये टर्म एफ में पढ़ा होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर करेक्ट देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट सो द डिलीवरी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर इज द लास्ट पोजीशन इन द मार्केटिंग चैनल करेक्ट ना अवेलेबिलिटी अब ये देखो फिर से वही टाइम आ रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच चैनल पार्टिसिपेंट अब बेस्ट एग्जाम्पल देखो paytm का हाँ कॉस्टिंग में भी है paytm paytm इतना हिट क्यों रहा बिकॉज डी जब हुआ था उस वक्त सिर्फ अकेला एक पेटीएम ही था जो पे यू you नो know, यूपीआई uh, जो था बेसिकली पैसे को ट्रांसफर करता था डिजिटली जो ट्रांसफर कर रहा था दैट इज ओनली पेटीएम अदरवाइज पेटीएम इतना हिट नहीं होता करेक्ट सो दिस इज इट गोस राइट द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस सर्विंग द कस्टमर बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मार्केटिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिंक्स द मार्केटिंग चैनल विद द कस्टमर्स ये आपका रहा अब आप देख रहे हो लॉजिस्टिक में मार्केटिंग वाला नहीं आएगा सी लॉजिस्टिक में मार्केटिंग वाला नहीं आएगा लॉजिस्टिक में खाली मटीरियल लेबर और एनर्जी जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए वो आएगा मार्केटिंग किस में आ जाता है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ जाता है जहाँ पर आप ये भी चेक करोगे कि भाई किस तरह से गुड्स को मार्केट किया जाए कैसे उसको एडवर्टाइज किया जाए फर्दर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक पार्ट आपका और क्या आ जाता है आउटसोर्सिंग सो आउटसोर्सिंग इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल्स एंड कॉम्पोनेट्स बट ऑल्सो इंक्लूड्स द आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्विसेज़ दैट वॉज ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड विद इन दर्गनाइजेशन अ क्लासिक एग्जाम्पल इज वॉट इट इज मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट वुड बी वॉट एडवर्टाइजिंग आप देखते हो बहुत सारे एड एजेंसीज होते हैं जो एजेंसी करेंगे अभी एम डी एच के दद्दू थोड़े से एक्सेप्शन uh, है कि वो आकर खुद ही मार्केटिंग कर देते हैं बट अदरवाइज आप चेक करो एडवर्टाइजिंग इज वॉट इट इज आउटसोर्स पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करे कैन ट प्योरीफायर करेक्ट सो एडवर्टाइजिंग दिस इज हाउ इट गोज देन कस्टमर सर्विस सो द ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेस विथ अच्छा एक और यहाँ पे आ सकता है आउटसोर्स में आप चेक करो आफ्टर सेल सर्विस आफ्टर सेल सर्विस सो आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो वट इट इज आउटसोर्स कि भाई हमने गुड्स को बना दिया बेच दिया है अब अगर कुछ होगा आफ्टर सेल सर्विस के लिए हमने थर्ड पर्सन को यहाँ पर आउटसोर्स करके रखा है जो यहाँ पर क्या करेगा सेटअप करेगा अपने एक जो भी उनका ऑफिस होगा उसको सेटअप करेगा और वहां पर ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस राइट सो दिस इज इट गुड्स देन द कस्टमर सर्विसेज सो ऑर्गेइजेशन थ्रू इंटरफेस विद द कंपनीज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन

देन आपके पास क्या आ जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सो देर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन दी सप्लायर कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन सो सप्लायर केपेबिलिटीज एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स कैन बी को रिलेटेड विद द फॉर्म्स परफॉर्मेंस न द परफॉर्मेंस इज मेजर इन द डिफरेंट पैरामीटर्स आप कॉस्ट के बेसिस पे कर सकते हो कि सबसे सस्ता कस्टमर सर्विस में देख सकते हो आप प्रोडक्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा था क्वालिटी वाइज भी आप चेक कर सकते हो किसी भी तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो कि हम बेटर है सबसे सस्ता हम देते हैं कस्टमर सबसे ज़्यादा हमसे सैटिस्फाइड है हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है या फिर जो हमारा क्वालिटी है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इवन दो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है वो कम है सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिचुएशन यू कैन वर्क इट आउट आप बताओ इज क्लियर जियो राइट राइट देखो एक बार अब मैं ना आगे का टॉपिक आपको कराने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार हम पास्ट पेपर को uh, चेक कर ले बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है कोर कॉम्पिटेंसी ह्यूमन रिसोर्स ओके कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन डिफाइन मार्केटिंग एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल मार्केटिंग एंड सर्विस मार्केटिंग इजी क्वेश्चन फाइव मार्क्स के लिए पूछा है ये फाइव मार्क्स का क्वेश्चन था देन ये आपका मे 18 है ये दिस इज मे 2018 थाउजेंड एटीन अटैम्प्ट दे सी नवम्बर 18 और नवंबर 18 में देखते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर कवर हो रहे कैन यू राइट आंसर फॉर दिस ऑगमेंटेड मार्केटिंग एंड गिव टू एग्जाम्पल्स टू मार्क्स करेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो एक्सप्लेन द टर्म मार्केटिंग मिक्स आप चेक करते हो आंसर्स नहीं मैं चेक नहीं करता आंसर्स <laughs> मैं नहीं चेक करता ना सीए ए इंस्टीट्यूट में ना सीएस एस इंस्टीट्यूट में मैं आंसर चेकिंग नहीं करता कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो जाएगा <laughs> अच्छा मैं जो चेक करता हूं आंसर ओके ओके गॉट इट ऑक्यूमेंटेड मार्केटिंग करेक्ट एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे को ये पूछा दैट्स वाई एंटिसिपेटेड योर क्वेश्चन टू भी लाइक दैट कि सर आंसर्स आप चेक करते हो क्या मैंने बोला नहीं बोला सर आप चेक करते तो अच्छा था क्योंकि आप ये डाउन एरो डाउन एरो लिखवाते हो ना तो हम अपने आंसर्स में ये डाउन एरो देते और ये आंसर कॉपी आपके पास पहुंच जाता तो आप समझ जाते कि ये मेरा ही स्टूडेंट है क्योंकि डाउन एरो आप ही का ही स्टूडेंट देखेगा सो एनी वे आई डोंट चेक ओके

ओके लेट्स चेक सम अदर पेपर देन मे 2019. अब देखो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया सो अनदर थिंग जो कई बार आता है ना इस अटेम्प्ट में इतने मार्क्स का पूछा है अगले अटेम्प्ट में इतने का पूछेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है सो दिस इज नवम्बर टू जो लेटेस्ट अटेम्प्ट अपने पास है इफ we कैन फाइंड एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओके

हम वो आर को भी डिस्कस कर लेंगे सो so दैट जब हम मेन हिट uh, करें अपने कॉन्सेप्ट को मतलब जब भी एग्जाम को आप हिट करो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम नहीं आए यू आर अपडेटेड विद द एवरीथिंग तो फॉर श्योर sure हमने इससे बाहर आपको पेपर नहीं मिलेगा मॉक वाले पेपर भी कवर कर लेंगे हर्ष फॉर श्योर

कि एक बार सिलेबस पूरा हो जाए अपना तब अपन वो मॉक सेशन रख सकते हैं केस स्टडी वाला राइट एम सी क्यूज आर नाउ ऑल्सो एम सी क्यूज आर नाउ विल बी इन केस स्टडी फॉर्मैट नहीं केस स्टडी फॉर्मेट में एम सी क्यू ऐसा ऐसा ज्यादा नहीं हो सकता अब केस स्टडी तो क्या होगा एक शॉर्ट केस स्टडी आपको वो दे देगा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में जहां पर सीधा सीधा बात हो सकता है वहां पर वो राम श्याम नाम देकर आपको एग्जाम्पल देते बट ऐसा ब्रॉड केस स्टडी नहीं होगा उसको केस स्टडी नहीं बोलते लाइक नॉर्मली केस स्टडी लोग क्या बोलते हैं जहाँ पर ए और बी अगर हो गया वो बोल देंगे ये केस स्टडी है केस स्टडी ये नहीं होता केस स्टडीज प्रॉपर जब आपको एक सिचुएशन देते हैं और उसके ऊपर आपको एनालिसिस करके आंसर देना होता है दैट्स अ प्रॉपर केस स्टडी सो एम आर नॉट फॉर केस स्टडी एंड इफ यू से कि हाँ किसी का नाम आ गया तो वो केस स्टडी है तो दैट इज़ नॉट रियली अ केस स्टडी प्रोविजन एज सच ओके

या आपको कोई और लाइन अच्छा लगता है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो एस में आपको पूरा पूरा एक ये ना डिस्क्रिप्शन है ये लिबर्टी है कि आप आराम से अपने आंसर को मॉडिफाई कर सकते हो बस खाली ये ध्यान रखना जब इसको मॉडिफाई करो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आंसर शुड अगेन यू डू नॉट गेट डिविएटेड फ्रॉम द मीनिंग ठीक है बस डू नॉट डिविएट फ्रॉम द मीनिंग आपका आंसर बराबर जाएगा कोई सेट आंसर नहीं है कि एस में यही आंसर लिखना आपके लिए करेक्ट है तो हम यहां पर चेक कर लेते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटी सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सनल कैन प्ले अ इंटीग्रल पार्ट इन द स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला बेसिकली क्या करते हैं दे ट्राई टू दे ट्राई टू अब देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये दे विल ट्राई टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स इसके अलावा दे विल ऑल्सो इंप्रूव द ओल्ड प्रोडक्ट्स इन अ वे दैट विल अलाउ इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन तो यहां से मेरे को ये तीन लाइन्स अच्छे लगे कि आप क्या लिख सकते हो डेवलप न्यू products then improve old products which will allow what which will allow strategy implementation then research and development employees and the managers perform the task that includes what transferring complex technology adjusting the processes to local raw manufacturers adapting processes to local market altering the products to particular taste and specification right research and development and strategies सच एस प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट पेनिट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन विल रिक्वायर दैट अ न्यू प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली डेवलप्ड एंड द ओल्ड प्रोडक्ट आर सिग्निफिकेंटली इंप्रूवड आप बनते हो यह वाला चीज ये तीनों स्ट्रेटेजी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बिल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीस थ्री नए प्रोडक्ट्स लाओगे तभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा ओल्ड प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करोगे तभी मार्केट पेनेट्रेशन कर पाओगे और कॉन्सेंट्रेट के अंदर भी क्या होता है जब रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप लेकर आओगे तो आपका कॉन्सेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा बट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज ऑफन कंस्ट्रेन बाय रिसोर्स अवेलेबिलिटी रिसोर्स अवेलेबिलिटी से सीधा सीधा मतलब है पैसा ठीक है मनी कई बार मनी होता है और कई बार यहां पर मैन पावर भी होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते लोग बिकॉज सक्सेसफुल हो सक्सेसफुल नहीं भी हो क्या पता सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट दैट अफेक्ट कस्टमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज शॉर्टन द प्रोडक्ट साइकिल टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट क्या करेगा आपके प्रोडक्शन साइकिल को शॉर्ट करेगा और प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट करने से आपका सर्कुलेशन फटाफट होगा कॉस्ट आपका कम रहेगा so companies in virtually every industry rely on the development of new products and services to fuel the profitability and growth then surveys suggest that most successful organization use research and development strategy that ties with external opportunity and internal threat internal strength most successful organization use research and development strategy which will tie with the external opportunities to the internal strength and is linked with the objectives a classic example of this would be what apple 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 क्या करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करता है और नए-नए प्रोडक्ट्स लेके आता है तो अभी इतना ज्यादा आप नहीं बोलोगे कि देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस व्हिच दे ब्रिंग इन देयर फोन बट आज से अगर 10 साल पहले का मैं बताऊं आई डोंट नो अभी ऐसा होता है कि नहीं दैट टाइम व्हेन आई वाज इन कॉलेज जब सी ए कर रहे थे उस वक्त मुझे याद है एप्पल का जो लॉन्च होता था स्टीव जॉब्स उस आते उस लॉन्च के लिए लोग वेट करते थे लाइक like, रात को डेढ़ दो बजे उनका लॉन्च लाइव होता था एंड पीपल यूज़ टू वेट कि यार एप्पल में वो नया प्रोडक्ट क्या लेकर आ रहे आई हैड टेकन मैकबुक बैक इन टू आई गेस राइट टू और टू और उस वक्त इनका ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो रहा था तो उसने मेरे को बोला था जिससे मैंने लैपटॉप परचेज किया था उसने मेरे को बताया था कि आपको लियोपोड माइक्रोसॉफ्ट का जैसे अपना माइक्रोसॉफ्ट है वैसे ही मैकबुक के अंदर उसने बताया था कि लायन से लियोपोड जा रहा है और समथिंग दे सेड और उसने मेरे को बताया था एक सीडी दिया था बेसिकली और उसने बोला था आप जब इसमें जाओगे प्ले दिस CD, you यू विल रियलाइज कि क्या इसमें नए सिस्टम से पुराने वाले में क्या था क्योंकि ड्रास्टिक चेंजेस वो लेकर आते थे तो यहाँ पर जितने भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यू नो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ वर्क और वो भापते हैं एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी को कि मार्केट में अभी क्या चाहिए मार्केट में नया चीज़ क्या रहा है अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को देखते दोनों को लिंक करके अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं दे गेट इट देन वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट

ग्रेविटी रोटेशन लॉन्च येस बहुत सारा बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं हमारे टाइम पर जब आई पैड जब लॉन्च किया था तब भी इस तरह से पागल पंथी था पूरा पीपल यूज़ टू गो माइड वन ऑफ माई फ्रेंड यू यूज़ टू एक्चुअली वेट टिल टू ए एम एट नाइट कि भाई मुझे वो लॉन्च देखना सुबह सुबह फिर वो कॉल करके बताता था एप्पल ने ये लॉन्च किया राइट सो दैट वॉज द सिनारी देन डेवलप रोबोटिक एंड मैनुअल टाइप प्रोसेस करेक्ट रोबोटिक एंड मैनुअल मतलब ऑटोमेटिक रोबोटिक याद रहे तो ठीक या फिर ऑटोमेटिक या मैनुअल टाइप प्रोसेस स्पीड ऑन हाई एवरेज लो अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट राइट देन परफॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद इन द फॉर्म और टू कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च आप ये देखो टैक्स आप लोगों का पीजीबीपी हो गया टैक्स में टैक्स में अगर आप लोगों का पीजीबीपी हो गया है तो पीजीबीपी में आपने देखा होगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए डिडक्शंस मिलता है। अच्छा नहीं हुआ ओके जब आपका पीजीबीपी यहां पर कवर होगा कि टैक्स में साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो पेमेंट यस हंड्रेड परसेंट कहीं पर वन ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो ये वही वाला आता है टू द आउटसाइड फॉर्म टू आउटसाइड फॉर्म तो आप क्या कर सकते हो किसी आउटसाइड फॉर्म को बोल सकते हो तो तीन चार इस तरह से होता है कि तीन चार कंपनीज मिलकर एक फॉर्म को हायर करते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम एक काम करो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो और जो भी कॉस्ट होगा वो हम मिलकर बेयर करेंगे या फिर आप क्या कर सकते हो फॉर्म खुद के विद इन इन हाउस बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं इन हाउस वर्सेस आउटसोर्स इन हाउस वर्सेस आउटसोर्स यह आपका रहेगा यूज यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स और प्राइवेट सेक्टर रिसर्चर्स आप देखो टैक्स में यही तो आता है कॉलेजेस को आप देते हो यूनिवर्सिटीज को पेमेंट करते हो सो so ये आपका प्रोविजन धर आ जाता है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में द दर मस्ट बी इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड द अदर फंक्शनल डिपार्टमेंट बिकॉज आप प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रोडक्ट निकाल दो लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए वो तो पता ही नहीं है ना तो आप कस्टमर के हिसाब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो दूसरा आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी चेक करना होगा कि उतना फंडिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा सो दैट वी कैन हैव क्लियर पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स अब अगर मैं आपको बताऊं यह वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं आपको बता रहा था ओके दिस इज दैट पीटीओ टी कॉन्सेप्ट अब इस पे आते हैं एक बार ये देखते हैं ये ध्यान रखना दिस कैन बी अ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन दिस कैन बी एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है अब ये आपको क्या बता रहा है बेसिकली ये डिस्कशन कर रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हाउस रखे या उसको हम आउटसोर्स करें ठीक है तो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुड बी इन हाउस वर्सेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुड बी आउटसोर्स ठीक है ये आपको बताना है प्लीज टर्न ओवर हाँ तो अब ये वो वाला क्वेश्चन है तो अगर आपको एग्जाम में इसके ऊपर आपको केस स्टडी भी मिल सकता है यू कैन ऑल्सो गेट अ केस स्टडी कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करना है तो बिल्कुल ध्यान से देखना इफ द रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस इज स्लो ठीक है जो टेक्नोलॉजी है वो इतना फटाफट फटाफट चेंज नहीं होता मार्केट ग्रोथ रेट इज मॉडरेट और न्यू एंट्रेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बैरियर है देर आर सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू द एंट्री देन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज प्रेफर्ड याद रहेगा अच्छा आपको लगा पीटीओ टी कॉन्सेप्ट है नहीं 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 पीटीओ टी कॉन्सेप्ट मतलब मेरा यह था कि नेक्स्ट पेज पे आपको जो प्रोविजन मिलेगा उससे आप लिंक कर पाओगे उसके हिसाब से सॉरी कई बार सिंपल चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है आई एम सॉरी राइट एनी आप देखो आपको यह ध्यान रखना है कि रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस वो क्या है दैट इज स्लो मार्केट ग्रोथ रेट क्या है मॉडरेट एंड देर इज सिग्निफिकेंट बैरियर कि नो एंट्रेंट नया मार्केट में आ नहीं सकता इन दैट केस आप क्या बोलोगे इन हाउस इज गुड तो मैं एक काम कर देता हूं इसको भी एक चार्ट फॉर्मेट में आपको यहां पे या यह चलो अब इन लास्ट में इसको हम चार्ट फॉर्मेट में लिख देंगे फिर देखो इफ द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली मार्केट जो है वो क्या है वो स्लोली जा रहा है ठीक है तो एक मेजर इंपैक्ट आप एफर्ट्स अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाओगे दैट विल बी रिस्की क्योंकि इसमें क्या होगा आप नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करोगे और इमीडिएटली क्या हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी ऑप्सोलीट हो जाएगा और फिर हो सकता है उसके लिए कोई मार्केट भी नहीं मिले तो इन दैट केस आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा दिमाग नहीं लगाते ठीक है तो यहां पर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे मूविंग अहेड चार पॉइंट है चार पॉइंट्स आपको ध्यान रखें फिर इसको अपन कंपेरिजन कर देंगे अब देखो यहां पर अगला बता रहे टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो रहा है स्लोली चेंज होता है और मार्केट जो है वो बहुत क्विकली चेंज हो रहा है तो इन दैट केस वो आपको बोलेंगे देर इज नो टाइम फॉर देर विल बी नो इनफ टाइम फॉर इन हाउस डेवलपमेंट इन दैट केस आप क्या करो यू कैन ऑप्टेन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्टीज ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस और नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस ऑन अ आउटसाइड फॉर्म अभी एक्सक्लूसिव नॉन एक्सक्लूसिव क्या होगा कि मैंने किसी एक बंदे को आर एंड डी के लिए यहां पर बैठा दिया और उसको मैंने बोला तू जो डेवलप करेगा वो सिर्फ मेरा या फिर क्या हो जाएगा हम तीन चार फॉर्म्स मिलके एक साथ एक टीम को सेटअप करते हैं और उनको बोलते हैं भाई तुम प्रोडक्ट को डेवलप करो और जो भी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट को तुम डेवलप करोगे उसको हम मिलकर यूज करेंगे तो ये हो गया एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस फिर आ जाता है इफ बोथ टेक्निकल प्रोग्रेस एंड मार्केट ग्रोथ इज फास्ट देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्टीज शुड बी ऑप्टेन थ्रू एक्विजेशन ऑफ अ वेल एस्टेब्लिस्ड फॉर्म तो इनमें आप क्या करते हो यू डू मर्जर्स भाई जो भी फॉर्म है जिसने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया उसको ले जाकर क्या करो आप खरीद लो और फिर अपना काम निकलवा लो इंस्टेड ऑफ कि आप खुद वहां पर क्या करो एक सेटअप करो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तो यहां पर अगर आंसर हम करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हाउस वर्सेस आउटसोर्स तो यहां पर पहला सिचुएशन क्या है दैट यू कैन हैव अ इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उसमें क्या क्या प्रोविजन था जब आपका मार्केट ग्रोथ क्या है मॉडरेट सो इफ द मार्केट ग्रोथ इज मॉडरेट टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो है स्लो एंड देर इज बैरियर टू एंट्री वो क्या है सिग्निफिकेंट तो इन दैट केस आप क्या करोगे आप इन हाउस करोगे इन हाउस यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रख सकते हो दूसरा प्रोविजन हमारे पास क्या रहेगा कि यू विल अवॉइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब अवॉइड करोगे अगर टेक्नोलॉजी चेंजेस रैपिडली अगर टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो जाएगा प्लस जो मार्केट का ग्रोथ रेट है वो क्या है स्लो इन दैट केस आप क्या बोलोगे अरे छोड़ो ना कौन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दिमाग लगाए आप प्रोडक्ट को डेवलप करोगे इतने में प्रोडक्ट ऑप्सलिट हो जाएगा और जैसे ही वो ऑप्सेलिट होगा आपका पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगा संख कॉस्ट टोटल लॉस एंजलिस करेक्ट आप इसको क्या कर सकते हो आउटसोर्स भी कर सकते हो और आउटसोर्स कब करोगे जब आप बोलोगे टेक्नोलॉजी इज स्लोली चेंजिंग ये इतना ज्यादा वॉलोटाइल नहीं है बट मार्केट जो है मार्केट ग्रोथ इज फास्ट इफ द मार्केट ग्रोथ इज फास्ट तो आप यहां पे आउटसोर्स करोगे जब आप आउटसोर्स करते हो तो दो तरीके से कर सकते हो वन इज एक्सक्लूसिव बेसिस अनदर इज नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस ओके और लास्ट आ जाता है आपका कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करो थ्रू एक्विजिशंस एंड मर्जर्स कभी अगर बोथ टेक्नोलॉजी एंड मार्केट ग्रोथ इज फास्ट आप मुझे बताओ ये आपको समझा कि नहीं नो प्रॉब्लम यश इट्स फाइन अच्छा एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव को एक्सप्लेन कर दूं देखो एक्सक्लूसिव नॉन एक्सक्लूसिव में क्या हो जाएगा जब मैं बात करता हूं एक्सक्लूसिव के लिए तो एक्सक्लूसिव का मतलब होगा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर्म है वो सिर्फ मेरे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा इसने जो भी प्रोडक्ट को डेवलप किया उसके ऊपर कॉपीराइट किसका होगा जिस फॉर्म ने इसको अपॉइंट किया है लेकिन अगर मैं बात करता हूं नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे तो नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस में दो तरीके से हो सकता है नॉन एक्सक्लूसिव में क्या हो जाएगा ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला तीन चार फॉर्म्स मिलके इसको पैसे देते हैं लेट्स से फॉर्म ए फॉर्म बी फॉर्म सी तीनों इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले को पैसे देते हैं और उसको बोलते हैं भाई तू एक काम कर हमारे लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर तू जो टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा उसको फिर हम तीनों यूज करेंगे करेक्ट बट वो यही तीनों यूज करेंगे नॉन एक्सक्लूसिव में दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला है ये टेक्नोलॉजी को क्या कर देगा डेवलप और इसको डेवलप करने के बाद ही इज गोइंग टू सेल इट टू डिफरेंट पीपल तो ये हो गया नॉन एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाला सिर्फ एक फॉर्म के लिए सिर्फ एक फॉर्म के लिए राइट डज दिस मेक सेंस या सो ये आपका प्रोविजन आया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ध्यान रखना ये एक आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये वाला अगर आप देखो ये और इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट इसका क्या मतलब हो गया देखो तीन तरह के लोग मिलेंगे तीन तरह के लोग मिलेंगे आपने एफ में पढ़ा बीटा तीन तरह का बीटा होता है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक होता है हाईली वोलाटाइल हाई बीटा और एक होता है लो बीटा और एक होता है मार्केट के बराबर अच्छा आप पढ़ोगे इसको दिस इज इक्वल टू मार्केट ठीक है अगर आपने नहीं पढ़ा तो हीरा देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आप ऐसे समझो आपके तीन तरह के फ्रेंड्स होते हैं एक होता है जो हाइपर रिएक्ट करता है हर चीज में जरूरत से ज्यादा जोश में आ जाता है पोपट लाल स्टाइल ठीक है दुनिया हिला दूंगा एक होता है जो रिएक्ट ही नहीं करता नॉन रिएक्टिव और एक होता है जो आपको नॉर्मल लगता है वो नॉर्मल कौन है वो आप खुद हो ठीक है तो आपसे ज्यादा मतलब गाड़ी चलाते तो ऐसा होता है ना राइट right? आप गाड़ी चलाते तो ऐसा ही होता है ना आप जिस स्पीड से गाड़ी चला रहे हो वो बराबर आपके आगे वाला जो गाड़ी है जो आपको साइड नहीं दे रहा वो गधा उसको गाड़ी चलाना नहीं आता स्लो गाड़ी चला रहा है और जो आपको ओवरटेक करके चला जाता है वो आप क्या बोलते हो अबे साला रैश ड्राइविंग करता है तमीज से गाड़ी चलाना नहीं आता आप जब हॉन्ग करते हो तो सामने वाला गधा क्योंकि वो गाड़ी को आगे नहीं ले जा रहा आपके पीछे वाला अगर हॉन्ग करता है तो आप क्या बोलते हो उसमें तमीज नहीं है पेशेंस नहीं है राइट सो दिस इज गोस तो तीन तरह के लोग हैं तो यहां पर आप देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जब बात आती है तो यहां पर भी क्या होते हैं तीन तरह के फॉर्म होते हैं एक फर्म होता है जिसको हम क्या बोलेंगे हाइपर एक्टिव ये क्या करते हैं दे आर द वन हु डेवलप द न्यू प्रोडक्ट जो भी होगा ये नया चीज डेवलप करेंगे दूसरा वाला होता है चतुर चतुर मतलब ये डेवलप नहीं करता ये क्या करता है इमिटेट करता है और ये इजीली इमिटेट करता है मतलब नया प्रोडक्ट डेवलप हुआ एडिडास डेवलप हुआ अभी बात सीधा आपको लिंक इन रोड पर मिलना शुरू हो जाएगा राइट और तीसरा होता है जो बोलता है भाई हमें तो हम तो जैसे है वैसे ही रहेंगे ठीक है बिल्कुल मतलब जैसे आप एम टी एन एल बी एस एन एल टाइप के बोलो जो एकदम सुस्त कंटाल जब तक मार्केट से आउट नहीं होते तब तक ये नहीं चाहते तो तीसरा वाला आपका जिसको मैं क्या बोलता हूं डेड पर्सन एग्जाम में ये सारे टर्म्स प्लीज यूज मत करना और ना ये एग्जाम्पल्स यूज करना बस समझने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या कर सकते हो यहाँ पर आप देखो क्या बात होता है जब हम बात करते हैं देर आर थ्री एटलीस्ट three major research and development approach for implementing the strategies kya kya Dekho, the first strategy is that the firm to the market the first firm is to be the first firm in the market to develop the new technological products correct this is a glamorous and exciting strategy but also a dangerous one kyunki chala to chala hara मतलब अगर वो प्रोडक्ट आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई नया प्रोडक्ट डेवलप नहीं हुआ तो टोटल लॉस एंजलिस भी आपका तो फॉर्म्स जैसे कि थ्री एम जनरल इलेक्ट्रिक आई वुड ऑल्सो से एप्पल ये लोग सब क्या करते हैं ये लोग नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करते दे हैव बिन सक्सेसफुल विद दिस अप्रोच और इन्होंने क्या किया है अपने राइवल फॉर्म्स को बुरी तरह से मार्केट से आउट करने में काफ़ी अच्छा हाँ चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक बिल्कुल करेक्ट राइट डायलॉग्स खाली डायलॉग्स मरवाओ वेरी गुड वेरी गुड ओके फिर देखो स्लोगन फॉर चाइना अरे चाइना तो शाम तक भी नहीं चलेगा <laughs> उसका रन रेट तो बेचारा बाबूराव से भी कम है बाबूराव भी दोपहर तक चला था ये तो दोपहर तक भी नहीं चलेगा एनीवे anyway, देखो जब हम बात करते हैं सेकेंड अप्रोच का तो सेकेंड अप्रोच में क्या हो जाएगा यू विल बी अ इनोवेटिव इमिटेटर आप कॉपी करो आप मार्केट में इजीली कॉपी करो इजीली कॉपी करके सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स को लेके आओ इसमें आपका क्या फायदा होता है इसमें आपका रिस्क कम होता है कॉस्ट कम होता है बिकॉज ऑलरेडी सम वन हैज ट्राइड एंड टेस्टेड द प्रोडक्ट आप यहां पर ले आओ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपके क्या आ सकते हैं लीगल इशूज आ सकते हैं कि किसी ने अगर पेटेंट करवा लिया तो आपके लिए तकलीफ हो जाएगा बट अदरवाइज आपका यहां पर कॉस्ट क्या रहता है कम रहता है दिस अप्रोच ऑफ टू डेवलप द द द फर्स्ट वर्जन न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट एग्जिस्ट राइट इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा यू विल रिक्वायर दिस स्ट्रेटेजी विल रिक्वायर एन एक्सीलेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सोनल एंड एक्सीलेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेक्ट टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो नेहा कक्कड़ आपको चाहिए पुराने गानों को आँ, आँ, ऐसे करके गाने के लिए राइट अलग अलग टोन में उसको गाने के लिए जितने पुराने गाने थे उसमें जितना आप नखरा डाल दो उसके बाद तो ये आपको एक एक्सीलेंट टी सीरीज चलता है नेहा कक्कड़ के वजह से राइट इस तरह से तो आपको ये ध्यान रखना कि कॉपी करने के लिए भी आपको क्या चाहिए हिमेश की बहन राइट आई कैन गेट सूड फॉर दिस राइट आई कैन लिटरली गेट सूड फॉर दिस सब YouTube पर रहेगा तो इसको पब्लिक नहीं करूंगा वीडियो को मैं आप चेक करो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में राइट right? अगर आप कॉपी कर रहे हो तो आपको बहुत एक्सेलेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सनल चाहिए होगा बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ना लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकता है हाउ मेनी इफ यू नो सैमसंग को सी किया था एप्पल ने मोबाइल फोन के डिजाइन के ऊपर एंड सम मिलियन ऑफ डॉलर दे हैड टू पे बिकॉज ऑफ दिस रीजन तो आपको कॉपी भी करना होगा तो इस तरह से कि किसी को पता ना चले बी लाइक अनुमलिक राइट दैट्स आओ आप देखो यहाँ पे अ थर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इज वर्ट अबे भाड़ में गया नया ने, टेक्नोलॉजी हम सबसे सस्ता प्रोडक्ट देते हैं खत्म काम हम टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी की बात ही नहीं करते वी गिव द लीस्ट यू नो लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट करेक्ट बाय मास प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स सिमिलर टू बट लिटिल एक्सपेंसिव देन द प्रोडक्ट्स विच आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड विच आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड तो ये आपका तरीका हो जाता है सो एज अ

मार्केट में प्रोडक्ट सेट हो गया ना कोई प्रॉब्लम नहीं हम उसको डेवलप करेंगे डेवलप मतलब हम उसको प्रोड्यूस करेंगे सबसे सस्ते भाव में तो हमारा सारा खर्चा किस में निकलेगा सिर्फ उसके मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा जाएगा इसके अलावा हमारा खर्चा कुछ भी नहीं है सो दिस इज हाउ इट वर्क्स तो ये तीन अप्रोचेस आपके पास है जो हम बात करते हैं किसके लिए वेन वे टॉक अबाउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्रोच एग्जाम में हो सकता है ये भी आपको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मिल जाए या फिर हो सकता है आपको केस स्टडी फॉर्म में मिल जाए कि इसको क्या करना चाहिए तो या इस इस फॉर्म ने कौन सा स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है सो दिस इज वॉट इज देयर इन आवर टुडेज लेक्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने इसको कवर किया नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखते हैं बाकी प्रोविजन्स को हम आगे कवर करेंगे आज मैंने आप लोगों को जो पास पेपर्स भी सेलेक्ट करके बताए उन क्वेश्चन को आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो यू कैन सेंड योर आंसर्स आई एल चेक एंड आई गेट बैक बट दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर टेक केयर बाय बाय हाँ बिल्कुल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये बिल्कुल करना मत भूलिएगा ठीक है थैंक यू बाय बाय। यस, ऑल्सो प्रेस द आइकन। बिल्कुल करेक्ट